Hey guys, welcome back to Brainheaters. This is Riddhi and आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम्स के ऊपर. तो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि ये सब्जेक्ट में लाइक न्यूमेरिकल्स ही बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना. हमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स एंड उनके मेथड्स भी करने पड़ते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वाले न्यूमेरिकल्स जो भी है वो, या फिर आपके ट्रांसफ़र फंक्शन के न्यूमेरिकल्स है, या फिर तो हमें सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने हैं, या फूरियर ट्रांसफॉर्म है. तो कैसे होता है, एग्जाम के टाइम पे ना हम ये सब करने जाएंगे ना, तो शायद हम मिक्स मैच कर दें मेथड्स को, या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. एंड मतलब सब करना ज़रूरी नहीं है. लाइक हमने आपके लिए एक थोड़े क्वेश्चंस जो भी बहुत एक्सपेक्टेड है एंड इम्पॉर्टेंट है वो एक लिस्ट बना के हम आपको दे रहे हैं. तो ये क्वेश्चंस कैसे पता है कि अगर सपोज़ हमें कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, एक्सप्रेस डेस्टिनेशन पे, एंड मतलब हमें दो ऑप्शन है, एक में लिफ्ट से जाओ या फिर तो हम स्टेयर्स से जाओ. तो ऑब्वियसली हम लिफ्ट से जाना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें थोड़े कम एफर्ट्स हैं एंड हम वही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, राइट. हम अगर स्टेयर्स यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा एंड यू नो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक एकदम टायर्ड हो जाएंगे एंड माइट बी अ चांस कि हम मतलब बहुत ये कर दें. सो बेटर इज़ कि हम लिफ्ट यूज़ करेंगे. सो सिमिलरली मतलब ब्रेन हीटर्स ने आपके लिए क्या किया पता है, हमने आपके लिए फ्यू क्वेश्चंस ऐसे हमने सिलेक्ट किए ना कि हम आपके डेस्टिनेशन पे आपको इजीली पहुंचा सके. लाइक अगर आपका एम है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और 50 प्लस लाना है या पास होना है, तो ये जो कंसेप्ट है हमारे पास 18 कंसेप्ट, वो आपको ईजिली पास करा देंगे एंड जो भी आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए वहाँ पर पहुँच सकते हैं. तो ये हमने आपके लिए प्लान 4 डेज में डिवाइड किया है, जिसमें कि आपका डे 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक, इवन एंड एसिमेट्रिक ऑड. इस पर न्यूमेरिकल आएगा गाइस, दिस कैन वेरी फॉर 5 to 10 मार्क्स. सेकंड क्वेश्चन है सिस्टम फॉर लीनियरिटी, कैजुअलिटी, स्टेबिलिटी, मेमोरी एंड टाइम वेरिएंट, सेम न्यूमेरिकल फॉर 5 मार्क्स. थर्ड क्वेश्चन इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस, ठीक है, कैन कम फॉर 5 मार्क्स or 10 मार्क्स, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी. फोर्थ क्वेश्चन इज फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है, दिस कैन कम फॉर 6 to 8 मार्क्स. फिफ्थ क्वेश्चन इज इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ये 5 क्वेश्चन थे आपके डे 1 के प्लान के लिए. चलो अभी हम देखते हैं डे 2 का प्लान. सो द डे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज ROC इन जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कैन कम फॉर 5 मार्क्स, प्रोबेबली फॉर 10 मार्क्स, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, दिस कैन कम फॉर 10 मार्क्स. एथ क्वेश्चन इज एनर्जी एंड पावर ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स इन मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैम्पलिंग थियोरम एंड सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये सब्जेक्ट स्कोर करने नहीं बल पास होने. अगर आपको सिर्फ पास होना है तो फिर आप ये 10 क्वेश्चंस करके गए तो भी चलेगा, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रिस्क मत लो और डे 3 और डे 4 का प्लान भी देख लो. तो डे 3 के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, ये आएगा 5 to 10 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिब्स फिनोमिनन, दिस कैन कम फॉर 10 मार्क्स. 13th क्वेश्चन इज लिमिटेशंस ऑफ CT DT फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड नीड ऑफ लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस कैन कम फॉर 5 to 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स विथ मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड ग्राफिकल प्लॉट, इसमें आपको एकदम अच्छे से सब बनाना होगा, या फिर 5 मार्क्स के लिए आएगा या फिर तो 10 मार्क्स के लिए आएगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस एंड द वेरिएशंस डन. नेक्स्ट लाइक अभी ये थे आपका डे 3 का प्लान. अभी हम देखते हैं डे 4 का प्लान. डे 4 के प्लान में फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिलैटरल एंड बायलैटरल लाप्लास, दिस कैन कम फॉर 5 to 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन ऑफ ESD एंड PSD विथ ऑटो कोरिलेशन, दिस कैन कम फॉर 10 मार्क्स. 17th क्वेश्चन इज ट्रांसफर फंक्शन विच कैन कम फॉर 5 मार्क्स or 10 मार्क्स, डिपेंड्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर यू इज डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, ट्रांसपोज, कैस्केड एंड पैरेलल फॉर्म्स, इस पे भी न्यूमेरिकल वेरी कर सकता है, सो दिस कैन कम फॉर 5 to 10 मार्क्स. तो गाइज ये थे आपके 18 क्वेश्चंस. अगर आपने ये 18 क्वेश्चंस कर लिए तो आप पास भी हो सकते हो एंड 45+ भी ला सकते हो. बट गाइज हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ इतना ही मत करके जाओ. हमारे पास आपके लिए है ब्रेन हीटर्स ब्लू प्रिंट्स, ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन बैंक्स एंड ब्रेन हीटर्स क्वेश्चन पेपर्स. तो क्वेश्चन बैंक्स में कैसा है पता है, हमने आपके लिए मॉड्यूल वाइज हर एक चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से मार्क किए हैं,
तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन पेपर में हमने आपके लिए जो क्वेश्चन बार बहुत बार रिपीट हुए हैं लाइक उनको एक अलग से कलर स्कीम देके आपके लिए हाईलाइट करके रखा है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तब वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाओगे एंड मतलब उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में आने का, तो आप वो भी एक बार चेक कर लो। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आपके लिए है वो है ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स में कैसा होगा, एक एस्टिमेटेड हमारे पास एक पेपर फॉर्मेट है जो हमने आपके लिए बना के रखा है वेबसाइट पे, आप प्लीज़ जाके उसको चेक कर लो। अगर आपने ये सब कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एसएस में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे उनको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको व्हाट्सएप पे कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो फिर आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमें कमेंट करके बता दो कि आपको कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए तो फिर हम वो सब्जेक्ट आपके लिए लेके आते हैं। आप ये सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि अगर कोई नया सब्जेक्ट आए तो फिर आप मिस ना करो। ठीक है, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू ब्रेनहीटर्स। थैंक यू।